नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है तो आपको किन किन रिसोर्स की हेल्प लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक आपके लिए होगी मियाँ गोवर्धन सिंह की मिनरवा पब्लिकेशन की बुक है और इसकी प्राइस अराउंड 300 रुपीज़ है। ये बहुत अच्छी बुक है अगर आप सीरियसली हिमाचल का पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हिस्ट्री इन्होंने काफ़ी अच्छी डिस्कस की है इसमें मियाँ गोवर्धन सिंह में। और क्योंकि मेरे हिसाब से अराउंड 150 पेजेस इन्होंने हिस्ट्री को दिए हैं। अगर आप हिस्ट्री थोड़ा बहुत कल्चर भी डिस्कस किया है, अगर आप होली सोली इस बुक को फॉलो करेंगे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स हिमाचल प्रदेश। आपको इधर उधर कोई और बुक्स को फॉलो कर टोटली इसी बुक में फुली डिपेंडेंट रह सकते हैं, क्योंकि इट्स ए वेरी गुड बुक। और अगर आप और ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो आपको सबको पता होगा कि वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश द वंडरलैंड बहुत अच्छी, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप HS टाइप के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे हिमाचल का ज़्यादा पूछा जाता है उसके लिए आपका वंडरलैंड बहुत अच्छी बुक है। पर इस बुक को पढ़ने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा। मेरा बोलने का मतलब है कि आपको इस पढ़ने के लिए अराउंड 3-4 मंथ्स देने पड़ेंगे एटलीस्ट, कम से कम। और इस बुक को भी आपको थोड़ा इस तरह डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको इसमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर लीव करना है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री उन्होंने काफ़ी अच्छी डिस्कस की है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में काफ़ी अच्छा डिस्कस किया है, हमारे टेम्पल्स के बारे में है काफ़ी। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, hpgovernment.himachalpradesh.gov.in की साइट भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हिमाचल के बारे में काफ़ी कुछ मिलेगा करंट, क्योंकि वो साइट गवर्नमेंट की साइट है तो इट्स अपडेटेड वन। वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेम्पल्स के बारे में मिल जाएगा, थोड़ी बहुत हिस्ट्री मिल जाएगी, मेन मोटा मोटा उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे आपने कोई टैट देना है, पीजीटीज़ का पेपर देना है, या एसोसिएट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम भरा हुआ है, तो उस लेवल की जीके वहाँ आपको साइट में अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा डीप जीके नहीं पूछी जाती, बट मेन पूछी जाती है, तो इतनी मेन आपको गवर्नमेंट की उस साइट पर अवेलेबल है। आप जरूर उस साइट पर एक्सेस करना, क्योंकि काफ़ी ऑथेंटिक भी है। और वैसे अगर आपने और साइट्स की मदद लेनी है तो विधानसभा की साइट पे जा सकते हैं, अगर आपने बजट्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा और ज़्यादा हिमाचल के बारे में जानना चाहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की साइट काफ़ी अच्छी साइट है। मैंने इसे कल ही एक्सप्लोर किया और मुझे इसमें काफ़ी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई। प्यारे दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों पर भी डिपेंडेंट रहेंगे तो आप हिमाचल को अच्छी तरह कवर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये ऑथेंटिक है और अच्छी बुक्स हैं। जैसे मैंने अभी मियाँ गोवर्धन सिंह की बात की, या वंडरलैंड हिमाचल की बात की, या अपना मैंने वेबसाइट्स की बात की, वो काफ़ी। और एक चीज़ और, एक बुक जो बड़े कम लोग जानते हैं वो है मिट्टू की बुक है हिमाचल प्रदेश। काफ़ी पुरानी बुक है बट बहुत अच्छी बुक है, बहुत पतली सी बुक्स हैं। ये बुक मैंने उसे प्रोवाइड की थी, मिट्टू है उसका नाम, और वो हिमाचल प्रदेश आपको मिल जाएगी, आप सर्च यू कैन ईजिली फाइंड। उसमें भी काफ़ी अच्छा कवर किया है, वो आप एक दिन में ईजिली रीड कर सकते हो उस बुक को। अगर आप पहली बार हिमाचल के बारे में पढ़ रहे हो तो यू शुड गो एटलीस्ट वंस टू दिस बुक, वो बुक काफ़ी अच्छी है। मिट्टू के नाम से है, आपने हिमाचल प्रदेश मिट्टू करके करना, मिट्टू उनके पब्लिशर का नाम है, ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर भेजिए मेरे इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो मेरा कैसा लगा
उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स कीजिए। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।